कि यहाँ पे फॉरेवर ने एक प्लेयर को गवा दिया था सवितार के रूप में. मीनवाइल सोल ब्रेकल्टोस यहाँ पे आपको देखने को मिल ओ जाएंगे, और गॉड लाइक वर्सेस सोल की इस फाइट को यार मैं तो मिस नहीं करना चाहूंगा, बट ये फाइट थोड़ा सा काम नजर आ रही है. यहाँ पे रोटेशन में फंसते नजर आई और ब्रेकल्टोस को छोड़ के टीम सोल आगे जाते आपको नजर आई. एंड द लोल्स वाइटी आई थिंक यहाँ पे फिनिश बी कंफर्म करते हुए आपको दिख जाएंगे. तो एट द सेम टाइम टीम सोल दे जस्ट लॉस्ट अ प्लेयर फॉर नो गुड रीजंस. आई मीन रोटेट करते दोनों टीम्स जा रही थी, रोटेशनल क्लैश था, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहे टीम सोल के ब्रेकल्टोस. यहाँ बिल्कुल यार रनिंग व्हीकल से डाउन कर दिए गए हैं और फिनिश भी किए जा चुके हैं बाय लॉल्स. बट उसी के साथ गॉडलाइक अभी भी रुकना नहीं चाहिए, उन्हें पता है कि उन्होंने एक फिनिश ऑलरेडी निकाल लिया है, सामने वाली टीम आउटनंबर्ड है, बट स्टिल टीम गॉडलाइक फोकस कर रही है सर्कल के अंदर जाने में. बट एट द सेम टाइम सोल के युवा भी यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज खा चुके हैं. टीम सोल अभी भी स्ट्रगल करती हुई, क्योंकि देखिए गॉड लाइक जैसी टीम इतनी आसानी से आपका पीछा छोड़ती नहीं है. अगर वो किसी को पकड़ लेते हैं तो उसको खत्म करके ही यू नो खुश होते हैं. एट द सेम टाइम गॉड लाइक जो गेट कीप यहाँ पे कर रही है, बचना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा टीम सोल के लिए, बिकॉज हायर ग्राउंड है गॉड लाइक के पास, नंबर्स गेम है गॉड लाइक के पास, एंड सोल के रॉक्स जो उनके आइजल हैं, सोल के युवा सब एक एक करके खत्म होते हैं आपको नजर आए. काफी आसानी से गॉड लाइक ने खत्म करा यहाँ पे टीम सोल को, जबकि टीम गॉडलाइक उन्हें छोड़कर निकली थी सर्कल के अंदर. बट जिस तरीके की सोल की टीम की रोटेशन आई, वो रोटेशनल क्लैशेस में फंसते हुए नजर आए, दिक्कतें हुई, पूरी टीम सोल का एलिमिनेशन यहां पर हो चुका है.